बेगूसराय पुलिस को एक ही दिन में दो बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए सक्रिय है, इसके दौरान ही पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी। पहली कामयाबी में पुलिस ने नामी अपराधी वेंकट उर्फ वेंकटेश को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी कामयाबी में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी। मोस्ट वांटेड वेंकटेश गिरफ्तार। वेंकटेश पर कई थानों में दर्ज हैं 14 मामले। रंगदारी, अपहरण और हत्या करना है उसका शगल। रंगदारी नहीं देने पर चलाया था बम। बेगूसराय का मोस्ट वांटेड अपराधी वेंकट उर्फ वेंकटेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस अपराधी पर बेगूसराय के अलग अलग थानों में कुल 14 संगीन मामले दर्ज हैं। हत्या, फिरौती के लिए अपहरण और रंगदारी के लिए बम चलाने जैसे कई संगीन मामले इस पर दर्ज हैं। पुलिस के लिए सिर दर्द बने इस अपराधी की गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। इस अपराधी ने रंगदारी नहीं देने पर बम भी चला दिया था, जिससे इलाके के लोगों में दहशत। वेंकटेश ने हाल ही में एक शुभ कुमार नामक व्यक्ति से रंगदारी की मांग की थी। इसके पास से पुलिस ने 4 मोबाइल भी जब्त किए हैं। बेगूसराय जिले के मोस्ट वांटेड अपराधकर्मी वेंकट और वेंकटेश को गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति के ऊपर 14 केसेस थे, हत्या, फिरौती हेतु अपहरण, रंगदारी के लिए गोली चलाना, एक बम चलाना इत्यादि के कई केसेस इस पर दर्ज थे। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही चंदन सिंह नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। वेंकटेश की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। इसी क्रम में बेगूसराय पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की। 600 से ज्यादा शराब की बोतल बरामद। 10 से 12 फीट गहरे गड्ढे में छिपा कर रखी गई थी शराब। छापामारी के दौरान फरार हुआ शराब माफिया। बेगूसराय पुलिस ने जमीन में अंदर दबा कर रखी गई शराब की एक बड़ी खेप को जब्त करने में कामयाबी पाई। पुलिस को ये कामयाबी पटना और बेगूसराय जिले के बॉर्डर एरिया में अवस्थित मटखानी थाना क्षेत्र के जगतपुरा गांव से मिली। पुलिस ने छापामारी कर 600 से ज्यादा शराब की बोतलें यहां से बरामद की, जो 10 से 12 फीट के गहरे गड्ढे में छिपा कर रखी गई। पूरी कार्रवाई में शराब माफिया फरार हो गए। पटना जिला और बेगूसराय जिला का बॉर्डर इलाका, वहीं पे हम लोग को सूचना मिली थी कुछ स्मगलर्स हैं, इनके द्वारा शराब लाके जमीन के भीतर उसको छिपा के रखा जाएगा। तो हम लोगों ने डे ब्रेक होने के साथ ही उस एरिया में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। कुछ लोगों को वहाँ पे भीड़ भी देख के भागी थी और करीब हम लोगों ने उस पूरे एरिया को घेर के वहाँ पे खुदाई करवाई। 8 फीट से 12 फीट की गहराई में हम लोगों ने अभी तक लगभग 600 बॉटल से ज़्यादा ही रिकवर किया है। दोनों ही कामयाबियाँ पुलिस के लिए काफ़ी अहम है, लेकिन बेगूसराय में जिस तेजी से अपराध पांव पसार रहा है, उससे दुगनी तेजी से पुलिस को अपराधियों को काबू करना होगा। गुनाह के लिए बेगूसराय से धनंजय झा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।